हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया और बहुत खुश होंगे। आज मैं आपके साथ मिल रही हूँ एक और नई रेसिपी के साथ। आज मैं बनाने जा रही हूँ डाइट डोसा या फिर प्रोटीन डोसा। आज के डोसे में मैं इस्तेमाल करूँगी बहुत सारी दाल, तो इसीलिए प्रोटीन डोसा हम इसको कहते हैं, क्योंकि दाल प्रोटीन से भरपूर होती है और इसीलिए हम इसको डाइट डोसा भी कहते हैं। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से कोई भी दाल का इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर पहले मैंने लिया 1 कप चावल, और यहाँ पर मैं ले रही हूँ मूंग 1.5 टेबल स्पून। यहाँ पर सब दाल मैं यहाँ पर 1.5 टेबल स्पून ले रही हूँ। तो सेकेंड मैंने लिया माश की दाल, आप इसको उड़द दाल के नाम से भी जानते ही होंगे। थर्ड मैंने यहाँ पे लिया मूंग दाल, फोर्थ मैंने डाला चना दाल, और फिफ्थ में मैंने यहाँ पे लिया पोहा, वो भी 1.5 टेबल स्पून। और लास्ट में मैं यहाँ पर ले रही हूँ मसूर दाल, और यहाँ पर मैंने लिया लगभग 1 स्पून मेथी। तो यहाँ पर मैंने 5 वैरायटीज़ की दाल यहाँ पर ली है, और चावल, थोड़े से पोहा और मेथी। इन सब इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से वॉश कर लेंगे एक साथ मिला के, और हम इसको ओवरनाइट रख देंगे सोख होने के लिए, या फिर आप इसको लगभग 5 to 6 hours तक सोख करके इमीडिएट बना सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पर ओवरनाइट सोख कर रही हूँ ताकि मैं सुबह का ब्रेकफास्ट इसका बना सकूँ। अभी नेक्स्ट डे मॉर्निंग अभी मैं इसका ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारी की सारी दाल जो सोख की थी वो उसको मैंने एक जार में ले लिया है, और अच्छे से मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी, ग्राइंड कर लूँगी, अच्छे स्मूथ पेस्ट जैसे बना लूँगी। आपको यहाँ पर मैं कंसिस्टेंसी भी इसकी बताऊँगी। थोड़ा सा पानी डालें आप, ऐड करके आप इसको अच्छे से ग्राइंड कर लें, और स्वाद अनुसार सॉल्ट भी ऐड कर लें, फिर आप इसका इंस्टेंट डोसा बना सकते हो। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये डोसा बहुत सिंपल है, डिलीशियस है और बहुत हेल्दी है, और प्रोटीन से बहुत भरपूर है। तो आप इसको इस्तेमाल इंस्टेंटली बना सकते हो। यहाँ पर सोडा वगैरह कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि दूसरा डोसा नॉर्मल वाला जो रहता है, हम उसको फुल डेज कुक करते हैं, फिर फर्मेंटेशन के लिए रखते हैं। तो यहाँ पर वो सब झंझट नहीं है, सिर्फ सोक करना है और ग्राइंड करके आपको इमीडिएट डोसा बनाकर सर्व कर सकते हो।
तो ये देखिए कितना यमी सा क्रिस्पी डोसा यहाँ पर आया है। इसको पकाने के बाद मैं ऐड कर रही हूँ घी। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो घी ऐड कर सकते हो या फिर बटर भी ऐड कर सकते हो, क्योंकि ये हेल्दी फैट होता है। तो प्रोटीन डाइट में हेल्दी फैट का इस्तेमाल करेंगे तो वो सोने पे सुहागा है। और वैसे भी घी टेस्ट को एनहांस करता है, तो आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करके देखें। और मैं सर्व कर रही हूँ डोसे को टैंगी चटनी के साथ, चटनी के साथ। तो आप इसकी रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, आप इसको ज़रूर रेफ़र करें। और मेरे चैनल पर ऐसे ही मेरे साथ हमेशा बने रहें। और जो मेरे नए विजिटर्स हैं, नए व्यूअर्स हैं, उनको मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, सी यू, बाय बाय।